चौमा में नवरात्रि के अंतिम दिन कस्बा के राजेश्वरी पथवारी मंदिर से देवी झांकी निकाली गई, जिसमें कि सभी भक्त धार्मिक भजनों पर थिरकते हुए दिखाई दिए। झांकी में भोले बाबा, राधा कृष्ण, काली व देवी माँ की झांकियां प्रमुख थीं। ब्रह्मा जी की तपोस्थली देवी माँ के जयकारों से देवी में दिखाई दी। झांकी में काली का पैदल चलते चंड मुंड के सिर को हाथ में लेकर चलना आकर्षण का केंद्र रहा। उधर भोले बाबा भी अपना तांडव करते हुए नजर आए, जो कि अपने तांडव से सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। नजारा इतना मनमोहक था कि जो कोई भी देवी या भगवान के इन स्वरूपों को देख रहा था, वह इनकी तारीफ करते हुए खिंचा ही चला आ रहा था। झांकी मारूक थोक से पथवारी मंदिर से होकर होली चौराहा, मनी थोक, रामलीला मैदान, महाराणा प्रताप चौक, जुजार दाऊद थोक होती हुई गंतव्य स्थल मंदिर पर समाप्त हुई। मंदिर के महंत दाऊ जी भगत ने बताया कि प्रतिवर्ष नवरात्रि में नौवीं के दिन देवी स्वरूप की प्रमुख झांकियां निकाली जाती हैं। इस मौके पर सौरभ सिसोदिया, गौरव सिसोदिया, वीरेंद्र ठाकुर, हेमंत पंडित, हरिराम, बलराम सिंह, रवि मेंबर, गिरिराज सिंह, ईश्वर लाल, नेत्रपाल सिंह, महेश सिंह, विजय ठाकुर, पवन सिसोदिया, सत्य प्रकाश, सीताराम ठाकुर, राहुल भूरा, राजू सिसोदिया, खन्ना पहलवान, राजू मेंबर, कुलदीप ठाकुर, मुन्ना ठाकुर, कन्हैया ठाकुर, लक्की राणा, जितेश ठाकुर, किशन सिंह, लोकेश सिसोदिया, नरेश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। संगठन भारतीय जनसेवक संघ का विशेष सहयोग रहा। चौमा से वॉइस फॉर नेशन के लिए संवाददाता सौरभ सिसोदिया की रिपोर्ट। इस बार पहली बार निकाली गई है नवरात्रि में, नवमी के दिन माता रानी के लास्ट में जो पूजन के दिन होती है वो नवमी को निकाली जाती है माता रानी।